इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। टाइल्स लदा ट्रक पलट गया है, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें आपको कि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और लोगों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ताजपुर थाने के NH-28 की ये घटना बताई जा रही है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टाइल्स लदा ट्रक पलट गया और इसके नीचे कई लोग दब गए, 3 लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर मिल रही है हमें और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पुलिस लगातार उन दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है और स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दें आपको, समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुबह की शुरुआत एक दर्दनाक हादसे के साथ हुई है। समस्तीपुर में टाइल्स लदा ट्रक पलट गया और 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फौरन पुलिस पहुंची और तमाम लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और जो लोग भी जख्मी हुए हैं उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर थाने के NH-28 की यह घटना बताई जा रही है जहां ये हादसा हुआ। तो दर्दनाक हादसे की खबर मिल रही है समस्तीपुर से। टाइल्स लदा ट्रक अचानक पलट गया और इसके नीचे कई लोग दब गए, 3 लोगों के मौत की खबर मिल रही है इस वक्त हमें, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। कई लोग ट्रक के नीचे अभी भी दबे हुए हैं जिन्हें पुलिस लगातार निकालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संजीव नैपुरी जुड़ गए हैं। संजीव, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले कि लोगों को निकालने की कोशिश कैसे की जा रही है, क्योंकि खबर है कि कई लोग अभी भी ट्रक के नीचे दबे हुए हैं। बिल्कुल, ये अभी यहाँ पे मौके पर पुलिस पहुंच गई है और JCB के द्वारा जो है टाइल्स के मलबे को हटाया जा रहा है, ट्रक को उठाने की कोशिश की जा रही है और अब तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत के रास्ते निकली है, जिसमें एक महिला, पुरुष, बच्चे और बच्ची शामिल है और उनके और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जी रश्मि जी, संजीव आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे आपके साथ। तो बता दें आपको कि कई महिलाएं भी इस हादसे का शिकार हुई है, बच्चे भी शामिल हैं।